तो दोस्तों, कई बार आपको भी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिले होंगे, जैसे कि मेरे कान पर फुसफुस मत करो, या फिर वो तो हमेशा फुसफुस करता रहता है, या फिर हमें फुसफुस करके बात नहीं करनी चाहिए। ये जो फुसफुस है, इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें आपके फ्रेज का यूज करना है, जो है आपका टिटल टेटल। टिटल टेटल का मतलब देखिए आप किस तरह से यूज करेंगे। पहले इसका मीनिंग जान लीजिए। इसका मीनिंग होता है किसी भी बात का सटीक उत्तर ना देना, या फिर बात को ना तो हाँ कहना और ना ही ना कहना, यानी कि मीडियम सी बात रखना, इसका मतलब ये होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सेंटेंस लिखना है, उसके बाद आपको ये वाला फ्रेज यूज करना है, और उसके बाद यदि आपके कोई और वर्ड्स हैं तो वो आपको लिख देने हैं, वरना कोई बात नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और अच्छे से इसे समझते हैं। तो देखिए, फुसफुस करने से हम केवल समय खराब करते हैं। वी जस्ट वेस्ट टाइम इन टिटल टेटल। यहाँ पर देखिए, वी जस्ट वेस्ट टाइम, ये आपका सेंटेंस है और उसके बाद आपका फ्रेज है। इसका मतलब है कि बात को या तो स्पष्ट कहो या फिर बोलो ही मत, तो अगर आप उसमें फुसफुस करोगे तो समय खराब होगा। यहाँ फुसफुस करना मना है, या फिर यहाँ फुसफुस मत करो। डू नॉट टिटल टेटल हेयर। नेक्स्ट देखिए, वो तो हमेशा फुसफुस करता रहता है। He is always doing tittle tattle. तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, फुसफुस करना बुरी बात है, यानी कि एक बार में ही पूरी बात को कह दो या फिर मत कहो। थैंक यू।